इन सभी को याद करते हुए हम कहते हैं कि आज तक चार युगे चार युगों का एक परमा का दिन जलाया जाता है, उन युगों में से तीन युग चल गए और आज चौथा युग चल रहा है और हर युग में चौदह मनु राज्य करते हैं और उसके उस मनु का उसके मनुओं का नाम है स्वयंभू स्वरोगीश उत्तम सामस्त वैश्वत चाक्षुष वैवस्व सावरणी सावरणी ब्रह्म सावरणी कृष्ण सावरणी रुद्र सावरणी देव सावरणी इंद्र सावरणी इन चौदह मनुओं के एकहत्तर महायुग होते हैं और इस एकहत्तर महायुग को एक मनमंत्र कहा जाता है। एक मनमंत्र का पूर्ण आयु 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार चाक्षुष पर्यंत अभी महायुग चली गई है, अभी वैवस्वत चालू है। वैवस्वत में 27 महायुग हो गई है और 28वां महायुग चालू है। उसमें कृति युग के 17,28,000 और त्रेता युग की 12,96,000 द्वापर युग की 8,64,000 और अभी कलयुग की 4,32,000 हैं। उसमें तन्मध्य शिक्षक तारक आदो इंद्रप्रस्थ द्वितीय उज्जैन शतः पंचतीशराधिकतुर्थान से शतः अष्टादशसहस्रवर्षाणि चतुर्थों वैतज्ञा विजयानंदन से शतः दशसहस्रवर्षाणि पंचमों गौरदेशे धाराकृति नागार्थ से शतः चतुर्दशवर्षाणि षष्ठा कवीरपत्नि कर्णाटके कर्जावतारः सप्तदशशतः एकाविंशति अष्टादशसहस्रवर्षाणि कलयुगा मध्ये 6 शतकर्ते आहेत। प्रथम इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर धर्मराज झाला 3,044 वर्ष, दुसरा उज्जैनी इंद्रधारा 13,135 वर्ष, तिसरा पैठणी शालिमान 13,018 वर्ष, चौथा वैतरणी त्यांचे पाठी विजयानंदन होईल 13,010 वर्ष, पाचवा गौरदेशा धारकी की नागार्जुन होईल 13,004 वर्ष, सहावा कोणाचा पुराचा कल्की होईल 13,821 वर्ष, कलिगा एकंदर वर्षातून 5,122 वर्ष मागे पडले व 4,27,878 वर्ष शिल्लक आहे। पंचांगाच्या अनुसार अभी तक कलयुग के 4,00,000 सालों में से 5,122 वर्ष हुई हैं और 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। इसमें कलयुग में पहले जो राजा हुए इंद्रप्रस्थ के युधिष्ठिर हुए उनको उन्होंने 3,044 वर्ष का वर्ष उनका शतकर्ता कहला है। उसके बाद विक्रम राजा उज्जैनी में विक्रम राजा हुए उनका शक 125 वर्ष हुआ। तीसरा पैठण में शालिवान शक आया उनका 18,000 वर्ष हुआ। 18,000 में आज 1943 चल रहा है 18,000 वर्ष में। चौथा वैतरणी नदी के किनारे विजयानंदन नाम का राजा होगा उसका शक 10,000 वर्ष चलेगा। पांचवा गौरदेश में धाराकृति में नागार्जुन नाम का राजा होगा उसको 4,00,000 वर्ष अपना पंचांगकर्ता का शक करता कह जाएगा। छठवा कोल्हापुर में के पास कल्की नाम का राजा होगा उसके 841 वर्ष हो गए। और कलयुग के बाद में हम देखेंगे कि उसको रघुस्वाम का क्षति होना कल्कि होने का वर्ष का इस युग का अंत होगा। तो इस प्रकार अथा सत्यश्रीमद नृपशरी नृपक्रमाशयांत्रुद्रेचर परिभाग नाम समझे मारवाड़ी स्वयं गौरव महादी नाम समझे श्रीमन श्रीवान जगह 1943 प्रवनाम समझे राजा भोमा। इस संसार इस वर्ष 1943 के शालिवान शब्द के प्रवनाम समझ का राजा भौम है, मंगल है, मंत्री भी राजा और मंत्री भी भौम मंगल है, कोषा भी शुक्र है, जो धन का अधिपति है वो शुक्र है, मेघ जो वर्षा करने वाला उसका राजा है चंद्र, पूर्व सस्याधिको शुक्र यानी पहले 6 महीने शुक्र इन अपने राज्य में होने वाले धन धान्य और उसके साथ देवी फल फूल आती है उसके राजा पहले 6 महीने शुक्र होंगे उसका उसके बाद चंद्र होंगे। छत्रघ्न क्षेत्राना गुरु अपने पास राजा के साथ छत्र पकड़ने वाले और क्षेत्र के अधिपति गुरु कहलाएंगे। अपने रसों को जो रस अपने रासायनिक तत्वों से हैं उसके राजा रवि सूर्य कहलाएंगे। आज्ञा को होमा आज्ञा देकर एक काम करो कहने वाले मंगल भी कहलाएंगे क्योंकि वो राजा है। मध्य पश्चात धान्यान को कहा बाद में पश्चिम में आने के बाद दुग्ध धान्यान के अधिपति होंगे। नीम रसेश रस नहीं है इसके अधिपति
शुक्र है व्यापार फल क्षेत्र का प्रताप प्रतापा नाम क्षेम व्यापार के और फलादिक के खेलों के और वीरता के अधिकति शनि भगवान को जाते हैं। व्यवहार वस्त्र कष्ठा नाम चंद्र वस्त्र के व्यवहार के अधिकति चंद्र है नगरादिक भी चंद्र है सर्वेशान भोग है और इत्यादि अदो समुद्र फलम जलवर्षण तो अग्रधान्य नाश सत्वन सारथी तिरस्कर प्रकाशा भूषण सुखहीना प्रवणामी सर्वलोक या प्रवणा समस्या पौष चांगला प्रेम मात्र पिता की नसाडी हुई चोर आणि टोळा घर यापासून त्रास होईल लोकांमध्ये कलम वाढे तसेच रोगराई वाढे समस्या करता कहता है इस लोकाम समर्थन में वर्षा भी ज्यादा होगी लेकिन धान्य पूरे वर्षा में बह जाएगा धान्य ज्यादा दिन टिकेगा नहीं चोर लोग ज्यादा पड़ेंगे धोखाधड़ी ज्यादा होगी और लोगों में कलह ज्यादा बढ़ेगा और रोग राई ज्यादा बढ़ जाएगी बहुत ही रोग बढ़ेंगे। राजा की राज्य व्यवस्था राजा के पद सौराष्ट्र राजा इस बात के राजा भूम है मंगल है वो गुजरात और पंजाब उत्तर प्रदेश ईशान्य भाग बरहार विदर्भ दिल्ली इधर के प्रांतों में राजा अपना फल बताता है यानी यहाँ भूम भूम यानी मंगल का फल यहाँ बहुत जोरों से चलता है उनका राजा होने का मंगल ऐसे देखता है अन्याय करने वाले को क्रूर करने वाले को वहाँ का वहाँ फल ले लेते हैं। मंगल की विशेषता है अपनी पृथ्वी अपनी माँ उससे पृथ्वी कहलाती है और जो अपने पृथ्वी को कष्ट पहुँचाता है उसको वो शिक्षा जरूर देते हैं। भौम ग्रह को पूर्ण इसलिए कहा गया है कि वो पृथ्वी का भार सहते होते और पृथ्वी का भार अन्याय से कम करने की प्रयास करते हैं और यह इसका फल सौराष्ट्र पंजाब उत्तर प्रदेश ईशान्य भाग यानी पाकिस्तान वराहार विदर्भ और दिल्ली के पूर्व देश में इसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। प्रधान इस बार प्रधान का फल बंगाल में ज़्यादा होगा जो प्रधान है इस बार चंद्र है और जो यहाँ भावना से के साथ काम होगा मेघालय के चंद्र है वो बिहार और जबलपुर में जबलपुर के बाजू में उसका प्रभाव बताएगा। गंगे के दक्षिण में गंगा और सोनगंग के समुद्र के ऊपर धान्य स्वामी के फल गुजरात मध्य आगरा अमेरिका के फल विभिन्न प्रवता था दक्षिण भारत विशाल के फल कोकण मध्य प्रदेश में राजस्थान नामगिर हुआ अध्यक्ष के फल आंध्र प्रदेश सेनेशा के फल पंजाब और काश्मीर मध्य देशा के फल दिल्ली पंजाब के उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के फल गुजरात और सौराष्ट्र मध्य राजा मंगला सियाली धान्य संपत्ति कमल हुई आग चोर अन्य रोग रही या पशु त्रास हुई पौष कम गई राजा मंगल रहने के कारण राजा मंगल का प्रभाव कहाँ रह रहा है सौराष्ट्र में है पंजाब में है उत्तर प्रदेश के ईशान्य भाग में है वाराणसी विदर्भ है दिल्ली है उसके पूर्व भाग में यहाँ क्या होगा कि जो वर्षा तो होगी लेकिन धान्य की धान्यों का ज़्यादा नुकसान होगा आम से लोग पीड़ित होंगे चोर व रोग रही ज़्यादा पड़ेगी लोगों को कठिनता से दिन निकालने पड़ेंगे और वहाँ झगड़े भी ज़्यादा होंगे। मेघालय का चंद्र है और चंद्र का प्रभाव बिहार और जबलपुर वैसे ही नदी के दक्षिण भाग में है इसका फल बहुत वर्षा होगी धनधान्य अच्छा बनेंगे विद्वान को गौरव मिलेगा जहाँ मेघर प्रत्या ये है यह प्राप्त है बिहार आदि इसके बाद खराबी शुक्र पौष पुष्कर पड़े अरे धनधान्य से उठी हुई राष्ट्र की संपत्ति बढ़े रोगराई कम खबर खरीफ की देवता यानी जो हम समर में जो अपने पास जो धनधान्य पीते हैं उसके राजा शुक्र होने के कारण संबर में होने वाले जितने भी फल पराजित है उसके संपत्ति अच्छी बढ़ेगी और वहाँ रोग राई भी कम होगी। वह हमारा दक्षिण प्रांत है भ्रष्टाचार के रवि अस्या पांड्या जी विभीषण उसके साथ कापूस कमी की इस बार अधिपति रवि होने के कारण सबसे कठिन होगा गन्ना गन्ने का भाव बहुत ही कठिन होगा तेल के भाव बढ़ जाएंगे गेहूँ के भाव बढ़ेंगे कपास के भाव बढ़ जाएंगे क्योंकि रवि उनका अधिपति है वैसे ही रवि का स्वामी यानी संभर में होने वाले गेहूँ
Rapita Swami Buddha standing, the whole of whose father just knew that you take Sundar Nay, Vidwanansa, Gauru. Rapita Swami, any summer name, Jubi, Gehun, Wong, Udal, Pir, Ganna, Shavai, or Raita Dhudali, Achidar Hongi, Jahan Guru Uske Swami Hain, or Vidwananda Gauru Hoga. Here is Hansa, Adipati, Shukra Stamle, कपूर गंध सोना मोती और कापड़ इनकी बहुत ही कीमत बढ़ जाएगी। आंध्रा प्रवेश ये शुक्र शुद्ध 11 सोमवार एकादशी के दिन 21 जून 2021 बजे उत्तर रात्रि सूर्य आकाश प्रवेश करने यानी कहते कोई लोका मध्य शुद्ध समाधान हुई धनधान हमारे सरोलोक नहीं से होगी। कहते हैं कि 21 जून 2021 के पास आंध्रा का फल रहने के कारण इस आंध्र प्रदेश की तरफ जो आज बीमारी फैली हुई वो कम होगी, सुख समाधान दोनों में आ जाएगा। आवर्त नवासा मेघा स्नान जोरा का बारह सुगन गड़गड़ाहट सिंह सुपरा पौष साड़ी साधु काबूस स्निग्ध पदार्थ मनोभावना कपास कम होगा, धान कम पिकेगा, साधु गेहूँ कम पिकेगा, कपास भी कम होगी। समर में सुबुद्ध नवाता नाम अहिरोना की इच्छा शक्ति कमी रहे पौष मध्यम होगी। औषधा श्रीकृष्ण आनंद जनावर का आनंद हुए धनधान्य वाले जो दिखते भरपूर हुए गाय आदि पुष्पार्थ करने वाले को अच्छा लाभ होगा। मेघ निवास प्रेरणा के गुरी असन दूरणी नक्षत्र खराब पड़ गया है जमे पौष पुष्कर पूर्व धनधान्य समृद्धि हुई इस बार वर्षा अच्छी हुई। और श्री आनंद के प्रति जमान एकांग्रत मध्यम सोन त्यागति सहभाग मध्या उपलब्ध चार पांच भूम या पवन इंद्र वर्षा को द्वितीय स्वर्णा ने नृत्य प्राप्त हुई है वाराचा स्वर्णा ने अभिषेक नक्षत्र ने पातक जैसे योगा ने रोगा के निवारण होते कर्णाच स्मरणा ने चिंतित मनु सिद्धि होगा सर्वाच स्मरणा ने उनके निम्न नाच प्रवर्गे तो शुभकार वर्ष पर संवत्सर आरम्भ के ऋषि ये भक्त भक्ति ने स्वर्ण भक्ति के लिए एक वर्ष को सुन लिया संज्ञान करता पड़ता है। जो इस प्रकार राजा मंत्री आदि गुणों का श्रवण करता है उनका नाम आदि लेता है तो उनको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज के पंचांग स्वर्ण के लिए हम इन देवताओं नवग्रहों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और अपने गुरु देवता कुल देवता इनका स्मरण करते हैं तो हमारे को यह वर्ष बहुत ही शुभ समृद्धि के साथ जाता है। यह स्मरण करने वाला इस संवत्सर पर मराठी परीक्षा के अनुसार मैंने आपको अभिनंदन कराया। इसके बाद घटिका ये आती है कि मैंने आपको बताया है कि हम सभी को चाहते हैं कि हमारी राशि नक्षत्र गुरु जी कैसे हैं, पहले यही पूछते हैं। कालगणना नाम के अनुसार हम चाहते हैं कि गुरु जी हमारी राशि क्या कैसी है, हमारे को फायदा होगा या नुकसान होगा, इस सभी को इस वर्षफल में यही जानते हैं कि हमें क्या होगा। तो मैंने एक चार्ट तैयार किया उसके अनुसार मेष राशि प्रधान अपने को जो ज़्यादा दिन रहकर हमें अपना फल प्रदान करते हैं उसमें शनि गुरु राहु राहु और केतु शनि ढाई का ढाई साल एक राशि भोगता है, गुरु 13 महीने भोगता है और राहु और केतु 18 महीने में। ये ज़्यादा दिन रहने के कारण इनका प्रभाव भी अपने ऊपर ज़्यादा रहता है। वैसे चंद्र बुध पूरे एक महीना रहता है, शुक्र एक ही दिन में बदलते राशि बदलता है, बाद में शुक्र एक महीना 10 दिन रहता है। इस प्रकार इन ग्रहों को एक महीने के बाद अच्छे दिन आएंगे इसका हमें उतना चिंता नहीं रहता। क्यों हम शनि बृहस्पति राहु के गुरु देखते हैं कि यह ग्रह ज़्यादा भी रहने से अपने ऊपर वर्ष भर प्रभाव बना के रखते हैं। तो इस बार कौन सी राशि में कौन से ग्रह अपने प्रभाव ज़्यादा बता रहे हैं इस बात का मैंने एक चार्ट तैयार किया है। मेष राशि है उसमें उनको शनि शुभ है, गुरु भी शुभ है, लेकिन राहु केतु पाप की दृष्टि से उनको देखते हैं यानी उनके हाथों से पाप करवाते हैं, इसलिए वे राहु केतु से संबंधित जो भी कार्य है वो अच्छी तरह कर लेना चाहिए। राहु केतु से संबंधित पाप कार्य करने से हमारे को कितना भी पुण्य भी हम कमा ले जाए तो हमारे यहाँ से पाप होता है तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। इस प्रकार मेष राशि को एक बार राहु केतु पापी दृष्टि से रहने के कारण उनसे बचने की क्रिया हम करनी चाहिए। लेकिन जो भी मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं जैसे अश्विनी ग्रहणी और कृतिका, इसमें किस पर कौन से ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है। अश्विनी नक्षत्र वालों को ये वैसे मेष राशि को शनि शुभ है
और गुरु भी शुभ है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र वालों को गुरु पापी है, शनि और केतु शुभ है और राहु पापी है। जैसा मैंने मेष राशि में कहा कि शनि शुभ है, गुरु शुभ है, राहु केतु पापी है, लेकिन उसी मेष राशि में नक्षत्र आता है अश्विनी, उस अश्विनी नक्षत्र में गुरु शुभ होने पर भी पापकारी करवाता है अश्विनी नक्षत्र वालों को, और शनि शुभ है और केतु भी शुभ कार्य करते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेष राशि वालों को केतु पापी है, लेकिन केतु अश्विनी नक्षत्र वालों को शुभ का प्रदान करता है। अक्टूबर 5 तक राहु के लिए पापी है, उसके बाद शुभ है। इस कारण अश्विनी नक्षत्र वाले अपने जीवन में गुरु प्रत्यर्थ और राहु प्रत्यर्थ भी साधना करें, क्योंकि मेष राशि होने के बाद भी उनका दूसरा नक्षत्र है भरणी। भरणी में गुरु शुभ होने पर भी और केतु शुरू हो पापी होने पर भी, और गुरु और केतु ये दोनों भी पापी ग्रह के रूप में हमको काम करेंगे, और शनि शुभ होगा और राहु 5 अक्टूबर तक पापी होगा। इसलिए अगर ऐसा देखा जाए तो पूर्ण वर्ष में भरणी नक्षत्र वाले के लिए शनि शुभ है, गुरु केतु और राहु पापी ग्रह है, उनके ऐसे पाप करवाते हैं और पाप करवाने का फल तो हमको जानते हैं कि उसको पाप मिलेगा, कि होने पर भी मेष राशि के शुभ फल होने पर भी इन राशियों के बारे में इसके प्रति हम निष्ठावान होना चाहिए।